रियली सो सुपर प्रिटी साड़ी है। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मांची व्लॉग्स। यस, आज है वेंसडे। मैंने पी ली है चाय, अनन्या की पेड़ी पड़ी हुई है और अनन्या यहाँ पे पड़ी हुई है। अनन्या को क्या प्रॉब्लम है अनन्या, बताना जरा। नहीं बताओगे? इसको ना सिर्फ एक ही स्टाइल में हेयर बना दो, उसके बाल थोड़े से भी ऊपर नीचे कहीं पे भी इधर उधर, थोड़े से भी इधर उधर हो जाए ना, उसको अनकंफर्टेबल हो जाता है, फिर ऐसे मूड में लेट जाती है। दिखाओ जरा शक्ल, दिखाओ। अब बताओ कितनी प्यारी लग रही है बाल बांध के, कितनी नीट एंड क्लीन लग रही है ना, कितनी नीट लग रही है। अभी सारे बाल खराब कर लिए ऐसे ऐसे करके उसको नॉर्मल करने के चक्कर में। सो दिवाली चली गई, बड़ा गंदा सा फीलिंग आ रहा है दिवाली चली जाती है ना। ये देखो मैंने अभी तक ये हटाया नहीं, अभी तक लगाया हुआ है यहाँ पे, कुछ तो निकल गया अपने आप, ये आधा लटका हुआ है बीच में, कुछ छोड़े हुए हैं, कुछ दिन और तो फीलिंग रहे दिवाली वाली। दिवाली के बाद दिन तो मेरा इतना सरदर्द हो रहा था, आई वॉज फीलिंग सो बैड एंड आई डोंट नो, आई थिंक फेस्टिवल के बाद थोड़ा सा फीलिंग रहता है। सो थोड़ा अच्छा अच्छा फील नहीं हो रहा था, तो मेरा मंडे तो ऐसे ही गया, फिर ट्यूसडे आई वॉज लाइक बैक इन एनर्जी, और फिर वेंसडे आज तो व्लॉग करना था। सो यस, हम एनर्जी में बिल्कुल फुल हैं और अनन्या बेडशीट के अंदर बिल्कुल टुल है, वॉट एवर दैट मीन्स। गुड मॉर्निंग तो बोल दो। गुड मॉर्निंग। ये है हमारा छोटा सा भूत, और भूत एकदम से ट्रांसफॉर्म होगा एक छोटी सी लड़की में। देखो कितने प्यारे लग रहे होते, नीट से क्लीन से लग रहे हो। ओके ओके, सब बोलेंगे अनन्या कैसे बिहेव कर रही है। देखो स्माइल कर दो, स्माइल तो कर दो, स्माइल तो कर दो, स्माइल तो कर दो मोतू। नेल्स बड़े हो गए ना आपके, इसके पता कैसे पता लगते हैं नेल्स बड़े हो गए? बहुत जल्दी बड़े होते हैं, नाक खरोचे आने शुरू हो जाते हैं इसके यहाँ पे कान के पास, तो पता लग जाते हैं नाखून बड़े हो गए मैडम के काटने वाले, है ना। मेकअप भी सारे मैंने कल ही वॉश किए पड़े हुए थे, तो सारे हैंड वॉश करने थे, हल्के कपड़े थे तो कल ही वॉश किए, सूख गए हैं सब। मेरी चाय तो हो गई, अभी सुभाष की चाय भी रेडी है, सुभाष को उठाते हैं। When the sky is filled with stars and the night is falling. ये रहे हमारे सुभाष, पेपा पिग, पेपा पिग पे लेटा हुआ सुभाष। There's no limits between us. I feel the stretcher is real tonight. We won't come up, there's my game to lie. I feel like I'm losing all my mind. But I'll be alright, yeah. So सुभाष की भी हो गई फाइनली गुड मॉर्निंग, एंड आज हम दोनों ही रेड रेड मैचिंग मैचिंग है। नहीं सुभाष, गुड मॉर्निंग बोल दो। रेड हॉट तो पता नहीं बट रेड। और सुभाष की चल रही है मस्त, बिल्कुल टशन में बैठी। नहीं सुभाष, बाल भी कैसे उड़े हुए हैं तुम्हारे। और अनन्या, अनन्या उधर सोफे पे कर रही थी, अभी अनन्या यहाँ पे आ गई, मतलब जहाँ जहाँ हम जाएंगे वहीं वहीं आके वो ऐसे शो करेगी। नहीं अनन्या, शी इज हैविंग अ बैड डे। अच्छा एक चीज़ बताओ, ये बेडशीट सुभाष ने कल बिछाई, ठीक है, ये बेडशीट होनी चाहिए, ये देखो कैसे बिछाई सुभाष ने, ऐसी लंबी लंबी धारी धारी, आना हटो ना। मैंने सुभाष को बोला कि आपने ये रॉन्ग बिछाया है, बिकॉज इसको ऐसे लंबा लंबा होना चाहिए। सुभाष कहते नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, आप इस बेडशीट को ऐसे टेढ़ा टेढ़ा बिछा सकते। अब आप लोग मुझे बताओ कि मैं सही हूँ या सुभाष सही है, ये ऐसे बिछता है क्या, कि ऐसे ऐसे बिछता है, इसकी लंबी लाइन्स ऐसी आनी चाहिए? मेरी तो सुनता नहीं है, नहीं फर्क पड़ना नहीं होता ना, बात होती है एक मेरे पे कर, बिल्कुल नहीं ऐसे नहीं होता, कहीं भी बिछा लो ये वो बताना पक्का, इस इंसान को बताना पक्का। देखिएगा भी नहीं इधर, है ना, अलो बिस्किट गिरा ली बच्चों के जैसा। कहते हैं नाश्ते की प्रिपरेशन, और ये उसके बाद में क्लीन करूँगी, बिकॉज आज ऑलरेडी बहुत लेट हो गया है। सो नाश्ते मैं आज बिल्कुल सिंपल बना रही हूँ, ब्रेड रखा हुआ है, सो ब्रेड के साथ ही मैं ब्रेड अंडा वगैरह कुछ बनाती हूँ, फ्रेंच टोस्ट जैसा, और फिर ब्रेकफास्ट करके फिर लगते हैं काम में। Thank you.
अनन्या मैडम देखो कितना मस्त आपको फ्रूट का प्लेटर बना के दिया है मैंने, सलाद खत्म करना है उसको। जी मुझे नहीं पसंद ये सब फ्रूट्स, पर मुझे इन फ्रूट्स अरे मैंने बहुत अच्छे से देखो कितने अच्छे से आपको काट के दिया है इतनी मेहनत करके। छी क्या होता है, खाने को छी बोलते हैं क्या? अच्छा आप खा के तो देखना, चाट डाला है मसाला, आप नहीं खाओगे तो मम्मा पापा खा लेंगे, ठीक है? खा के तो देखना, गुआवा खा के देखो मस्त होता है, बस एप्पल। तो दिवाली के डेकोरेशन के टाइम पे मैंने आपको दिखाया था दिवाली का सामान, और अभी ये वापस अंदर करना है। तो ये जो अमेजोन के कार्टन्स आते हैं ना, मैं यही सेव कर लेती हूँ, और इन्हें ही अभी मैं वापस से सारा पैकेट वैकेट में डाल के रहूँ, वापस आई एम गोइंग टू पुट दैट एवरीथिंग इनसाइड। तो या लेट्स स्टार्ट। अच्छा नहीं लग रहा है, डेकोरेट करते हुए बड़ा मज़ा आता है वापस डालते हुए। चलो एनीवेज ये पैक हो गया, अब ये देखते हैं कब खुलेगा, मे बी नेक्स्ट ईयर या फिर उससे पहले कुछ ओकेजन होगा। तो गौर से देखो इस लड़की को, दिवाली की मिठाइयां पहनने के बाद ये कर रही है अपने आप को वे। कुछ नहीं बड़ा, इतनी मिठाइयां भी नहीं खाई थी मैंने। कितना बड़ा है? नहीं बड़ा कुछ भी, इतनी खाई नहीं मैंने, मतलब सीरियसली ओल्ड हो जाओगे, खुद का देख ले वेट। कितना मतलब मैं मिठाई तो अपने पे ली है, मेरे को भगवान की मेहर है, मेरा पेट बढ़ता नहीं, मेरा पेट बढ़ता मतलब वेट नहीं बढ़ता। हाँ तो वो ज्यादा गंदा हुआ ना, पेट बढ़ रहा है पर वेट नहीं बढ़ रहा है। नहीं कुछ नहीं बढ़ा, मैंने इतनी मिठाइयां खाई ही नहीं थी तो नहीं बढ़ा है वेट। मुझे ऐसा होता है ना फेस्टिवल सीजन के बाद ऐसी फीलिंग आती है कि वेट बढ़ गया होगा, वेट बढ़ गया होगा। भाई ये क्यों बताऊं मैं, नहीं बताऊंगी। इतने दिनों से ये अचार मैंने इनमें डालने के रखा हुआ है लेकिन ट्रांसफर ही नहीं किया, तो आज डाल देती हूँ इनको। ये वैसे मैं लेके आई थी यहाँ पे, लोकल एक मार्केट लगा था वहां से, तो अगर आप चाहते हो तो मैंने अमेजोन का लिंक वैसे दे दिया है इस सेरेमिक जार का, आप वहां से ले सकते हो। बहुत सुंदर लगते हैं, बहुत प्रिटी। बच्चे ये छोटे वाले, अभी फिलहाल इसमें मैं सोच रही हूँ एक मैं इलायची डाल देती हूँ और एक में भी लौंग, बस काली मिर्च का पाउडर है वरना मैं इसमें ब्लैक पेपर का ही डाल देती हूँ। चाय बनाते हुए तो अभी ना सुभाष को भेजा हुआ है मैंने मार्केट, सुभाष गए हैं मटन लाने के लिए। एक्चुअली शॉपिंग मार्केट जाना हमने बिल्कुल बंद कर दिया था, बट देन यू नो अभी दिवाली की शॉपिंग करी हमने, उसके बाद फिर हम बीच में हॉस्पिटल भी गए थे तो थोड़ा सा वो खुल गया है डर जो है वो खुल गया है थोड़ा। सो मैंने बोला लेके आओ यार मटन, इतना टाइम हो गया था मटन, आई थिंक एक बार मैंने शायद दिखाया आपको, तो आज मटन खाएंगे, आज बहुत मन कर रहा था और अनन्या का तो बहुत फेवरेट है मटन। सो अभी बनाऊंगी मैं मटन, तब तक मैं मसाला रेडी करती हूँ, सुभाष आ जाएंगे इन दी मीनवाइल, सो तब तक बन जाएगा। तो सबसे पहले सरसों के तेल में मैं ये डाल रही हूँ खरे मसाले, इसमें मैंने लिया है तेजपत्ता, लौंग, इलायची, जीरा और ये काली मिर्च का पाउडर, आप साबुत डाल सकते हो। और अब इसमें मैं डाल रही हूँ 4 से 5 मीडियम साइज कटे हुए प्याज, नमक, अब इसको हम अच्छे से ब्राउन होने तक भूनेंगे। यहाँ पे मैंने लिया है लहसुन, अदरक, एक बड़ा प्याज और हरी मिर्ची, अब इनका मैं पेस्ट बना लूंगी। अनियंस अच्छे से ब्राउन होके फ्राई हो गए हैं तो इस पॉइंट पे मैं डालूंगी इसमें ये पेस्ट बनाया मैंने, जिससे भी हम अच्छे से वापस फ्राई करेंगे। अच्छे से फ्राई हो गया ये सारा, तो अभी मैं इसमें डालूंगी हल्दी, धनिया पाउडर और गरम मसाला, थोड़ा सा इसको फ्राई करेंगे। मसाला जो नीचे है ना इनको खरोचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर लगे रहेंगे आप इसको खरोचोगे ना, निकालोगे नहीं, तो ये बिल्कुल ब्राउन हो जाएगा और नीचे नीचे, ऊपर मसाला तो फ्राई होगा लेकिन नीचे नीचे ये जल जाएगा और फिर बहुत कड़वा हो जाएगा, आपकी जो ग्रेवी है ना वो कड़वी हो जाएगी। अभी ये मसाले में डालूंगी मैं 2 बिल्कुल छोटे छोटे कटे हुए टमाटर, बहुत सारा टमाटर नहीं डालूंगी, इसको भी थोड़ा सा हम फ्राई कर लेंगे। मसाला जो है फ्राई हो गया है क्योंकि ये ऑयल छोड़ना स्टार्ट कर दिया है। अभी मैं इसमें डालूंगी जो मटन है वो,
कि मटन को हम तब तक कुक करेंगे जब तक ये पानी छोड़ना स्टार्ट कर देगा, और ये पूरे टाइम ढक के इसको हम कुक करेंगे और बीच बीच में हिलाते रहेंगे। ये मटन है, ये फ्राई तो हो गया है लेकिन पानी इसने नहीं छोड़ा आज, तो आई डोंट नो कैसा निकलेगा मटन। तो मैं थोड़ी देर इसको और कुक करूँगी, उसके बाद फिर मैं इसमें पानी डाल के ना सीटी लगा लूँगी। और साइड में मैं कर रही हूँ पानी गरम, तो इसी को मैं कुकर में डालूँगी फिर हम सीटी लगाएंगे। तो ये देखिए ये अभी कुक हो गया है, जैसे मैंने बोला पानी छोड़ा नहीं है, तो अब मैं इसको कुकर में डालूँगी और वो जो गरम पानी मैंने किया है वो कुकर में डाल के 3-4 सीटी लगा लूँगी। तो अभी ये कुकर बंद करने से पहले मैं थोड़ा सा डालूँगी इसमें गरम मसाला, और थोड़ा सा डालूँगी मैं इसमें ये लाल मिर्च का पाउडर। अभी कुकर बंद करने से पहले मसाले डालने से ना खुशबू बहुत अच्छी आती है, और अगर आपके पास है धनिया पत्ता वो भी पक्का डालना है इस टाइम पे। आज मैंने 6-7 सीटियाँ लगा ली मटन में, काफ़ी टाइम लगा इसको कुक होने में। तो अभी मैं इसको ना हमेशा मैं ऐसे ही करती हूँ, चिकन मटन जो है अगर मैं सीटी लगाती हूँ तो उसके बाद 5 मिनट और ऐसी सीटी खोल जब खुल जाता है नॉर्मल, उसको थोड़ा उबालने के लिए छोड़ देती हूँ। 5 मिनट उबलेगा उसके बाद फिर मैं इसको बंद कर दूंगी। आपके पास धनिया पत्ता है तो वो पक्का 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 डालना। के साथ मैंने बनाया है व्हाइट प्लेन राइस, मटन के साथ प्लेन राइस ही बहुत अच्छा लगता है। तो फ्रूट्स ऑरेंज कुछ भी काटती हूँ, जैसे मैंने बोला मैं थोड़ा सा बचा लेती हूँ, तो मैंने ये बचा लिया ऑरेंज, तो उसको जस्ट मैं अपने फेस पे रब कर लूँगी 5 मिनट्स जस्ट ऐसे रब करने के बाद। उसके बाद मैं इसको ड्राई होने दूंगी एंड देन आई विल वॉश इट। When the sky is filled with stars and the night is falling down, have a look at all around. There's no limits between us. I feel the treasure is real tonight. We won't come this again alive. I feel like I'm losing all. और अनन्या ने यहाँ पे कुछ छुपाया जिसको बहुत दिनों से दिखाना था, है ना अनन्या? अनन्या मैंने भी दिवाली के लिए बनाया था एक बहुत ही स्पेशल DIY। अनन्या शो, ये अनन्या ने छोटा सा इसके बादाम तेल का बॉटल अनन्या को DIY बनाना था। और मैंने मम्मा के लिए क्ले का दिया भी बनाया, वो क्ले का दिया मम्मा के लिए बनाया। यस, दिवाली हो गई, नेक्स्ट टाइम जलाएंगे है ना वापस से, पूरा गर्म हो जाएगा और मेल्ट हो जाएगा, आग बन जाएगा हमारा घर। जोकर। तो लंच हो गया है और अब आ रही है बिल्कुल मस्त वाली नींद, मटन इतने टाइम बाद खाया। जो वेजिटेरियन है प्लीज कान बंद कर लीजिए, बट सीरियसली आई मीन मटन इज वन ऑफ माय फेवरेट, बहुत फ्रीक्वेंटली नहीं बनता, टू मच फैटी, तो आज तो बहुत मजा आया। ओके, तो सोने से पहले आई वॉन्टेड टू शेयर विथ यू, एक्चुअली मुझे ना एक सेलर ने कॉन्टेक्ट किया था ऑन इंस्टाग्राम, ही इज बिल्कुल लोकल बिजनेस है उनका, आंध्र प्रदेश से हैं वो, प्रसाद या सुनीता समथिंग हैंडलूम्स करके। तो ही वॉन्टेड टू यू नो कि यू नो थ्रू मी देव ही वॉन्टेड टू शेयर हिज स्टोर, वोकल फॉर लोकल चल रहा है, तो आई थॉट यू नो लेट मी जस्ट शो हिज प्रोडक्ट्स थोड़ा बहुत, मे बी दैट कुड हेल्प हिम। तो उसने मुझे बोला था वो सिल्क साड़ियाँ बनाते हैं एंड प्योर सिल्क साड़ियाँ, तो उन्होंने मुझे भेजा है 3 साड़ी एंड दीज आर रियली सो सुपर प्रिटी साड़ी एंड वेरी अफोर्डेबल। आई विश उन्होंने मुझे पहले भेजा होता तो फेस्टिव सीजन में शायद कुछ और यू नो हेल्प हो जाती। ये देखिए मैं कलर, आई डोंट नो इतना जस्टिस हो नहीं रहा है कैमरे में, दिस इज चंदेरी, येलो कलर का है, एक शीन है इसके ऊपर और ये छोटी छोटी लाइन्स हैं गोल्डन। और इसका मैं बॉर्डर दिखाती हूँ, इससे पहले दिखाती हूँ, ये है इसका बॉर्डर, ऐसा मतलब पल्लू है बेसिकली ये इसका, और देखिए अब इसमें एक शीन है गोल्डन कलर का ना पूरे इसमें, और है इसका ऐसा है पूरा पल्लू ऐसा है इसका, देखिए खोल के दिखाती हूँ आपको, ऐसा पूरा पल्लू है इसका और इसमें है ये देखिए ऐसा पूरा पूरा साड़ी ऐसा है, मैं लगा के दिखाऊँ आपको। और इतनी हल्की है ये साड़ी, मतलब आपको पता है आई एम नॉट अ वेरी साड़ी पर्सन, बट दीज साड़ीज आर सुपर सॉफ्ट एंड दीज आर सो सो लाइट वेट एंड सो एलिगेंट। इसके साथ आता है ब्लाउज पीस, वो भी है ऐसा ही बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट में ऐसा ब्लू, ये देखिए, और ये शीन दिख रहा है ना आपको, देखो दिस इज प्योर चंदेरी एंड इट इज जस्ट फॉर आई थिंक 1200। सो दिस इज 1 साड़ी दैट ही हैड सेंड मी एंड आई लव द कलर कॉम्बिनेशन, मस्टर्ड है वो, मेरे पास ये कलर था नहीं। सो जो नेक्स्ट साड़ी है दैट इज इसका नाम मुझे साड़ियों में आई एम नॉट वेरी गुड, इसका नाम है सॉफ्ट सिल्क बॉर्डर पोचमपल्ली साड़ी, दिस इज अगेन सिल्क साड़ी, ऐसे सिंथेटिक साड़ियाँ बहुत आती हैं बट दिस इज प्रॉपर सिल्क साड़ी ऐसा।
जस्ट लुक एट इट्स कलर कॉम्बिनेशन। और इसमें भी देखिए आप, दिखेगा आपको ऐसा हल्का सा ना एक शीन है, वेरी सिंथेटिक। जो इस तरह की साड़ियाँ आती है ना, आप उनको पहनोगे ना तो वो बहुत फूली फूली सी रहती हैं। सो दिस वन इज लाइक सुपर सॉफ्ट एंड बिल्कुल बॉडी के साथ ही पूरा फ्लो होके जाता है। दिस इज ऑल्सो वेरी एलिगेंट, बहुत ही प्रिटी साड़ी है। एंड दिस इज फॉर 1600, या दिस इज 1600 का। और इसमें भी एक कॉन्ट्रास्ट में इस साइड में ऐसा है इसका, और ऐसा है कॉन्ट्रास्ट में इसका ब्लाउज पीस है, हल्का सा ग्रीनिश सा इसके ऊपर एक टिंज है, शाइन है। ओके, द लास्ट साड़ी जो उन्होंने भेजा है मुझे, दिस इज द मोस्ट, तीनों में सबसे प्यारी साड़ी है। कलर कॉम्बिनेशन लुक, इतनी एलिगेंट साड़ी है, इतनी प्यारी साड़ी है और इतना सॉफ्ट है। इस सेम, इसमें भी काफ़ी सिंथेटिक साड़ियाँ आती हैं ऐसी, बट दिस इज प्योर साड़ी। एंड दिस इज उपड़ा टिशू साड़ी, या उपड़ा टिशू साड़ी। और ऐसा देखो, इसमें पिंक कलर का पूरा शीन है और ग्रीन कलर का है ऐसा, और इसमें एक इस साइड में पतला बॉर्डर है, इस साइड में ऐसा मोटा सा बॉर्डर है। सो दिस इज वेरी वेरी लाइट एंड दिस इज सुपर सॉफ्ट। आई मीन सारी साड़ियां इतनी सॉफ्ट हैं, सी लाइक दिस, बहुत ही सुंदर साड़ी है ये। सो या दिस, ये है थोड़ी महंगी साड़ी, महंगी भी क्या, मतलब 2100 की, 2000 की ये साड़ी है। सो ऑल दीज साड़ीज आर वेरी नाइस साड़ी। तो यू नो, अगर आप साड़ी लेने का सोच रहे हो और यू नो कहीं से ऑनलाइन लेने का सोच रहे हो, तो लेने से पहले किसी और से एक बार जस्ट ट्राई, यू नो, इनका एक बार चेक कर लीजिए। अगर आपको पसंद आता है, यहाँ से आप ऑर्डर कर सकते हैं। तो इनका कोई वेबसाइट नहीं है, ही हैज़ अ इंस्टा पेज, वो भी इट इज़ नॉट दैट अप टू डेट, एंड दिस पर्सन ही इज स्टडिंग राइट नाउ। तो उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप है, तो वो ग्रुप का जो यू नो लिंक वगैरह है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। सो डू सपोर्ट यू नो दीज पीपल, दे आर हैविंग वेरी स्मॉल बिजनेस एंड ड्यूरिंग दिस कोविड टाइम हैविंग अ टफ टाइम। सो अगर आप साड़ी लेने का सोच रहे हो, एक बार यहाँ पे देख लो, उसके बाद में भी यू कैन डिसाइड, यू नो। या तो इसी के साथ मैं आज का व्लॉग यहीं पे खत्म करती हूँ। सो आई रियली होप आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। सो अगेन, या लगा है तो एक थम्स अप, और ये मोटू अभी मोटू और डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम। सो मिलती हूँ मैं दोबारा आपको एक और नए व्लॉग के साथ। तब तक bye-bye, take care and stay safe. Yes, you all stay safe and stay blessed. Bye-bye.